This is your exercise 13.3. Diameter of the base of a cone is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find the curved surface area. पहले तो मुझे formulas बताइए क्या क्या हैं. This is R, this is H, this is L. Curved surface area का क्या formula होता है? Where L is equal to root R square plus H square. And the total surface area is? ठीक है? अब देखो first question में हमें क्या क्या given है? Diameter of base of cone. 10.5 centimeter. So what will be the radius? मैंने अभी इसको डेसिमल में नहीं कन्वर्ट किया. I have taken it like this only. And we are given that its slant height is 10 centimeter. Slant height is 10 centimeter. What we are to find out? We are to find its curved surface area. Curved surface area is pi r l. We are given r, we are given l. Directly we are to put the values and get our answer. So curved surface area कहाँ बेटे? कटिंग कर दी 5 से, यहाँ 4 है. हेयर इट इज 4. कितना आया यहाँ पे मल्टीप्लाई करके? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर. स्नेहा, इज देयर एनी डाउट? चलें आगे. यहाँ पे 105/20 को हमने कैंसिल किया 5 से, तो वी हैव गॉट 21/4. इज इट डन? चले अगले पे. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर. अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है. अगेन वी आर गिवन slant height and diameter. So what is the diameter given? And the slant height is? And what we are to find out? So total surface area is pi r into 10. Put the values and get your answer. Sare units meter mein hai. R is 12, l is 21. कितना है? 1. अपॉन 7. कटिंग किसकी की? हाँ तो वही तो पूछ रही हूँ कि कितना आ रहा है.
point last two steps visible hai. Next time you will tell. ध्रुव में बोर्ड पीछे ही लगवा देती हूँ बेटे, है ना, आगे देखने में प्रॉब्लम होती है, जब देखो पीछे ही मुड़ा होता है, तभी मैम ने लास्ट बेंच पे बिठाया था शायद. पूरी क्लास की ऑब्जर्वेशन करनी है हमने, है ना. चलें जी, हो गया आपका ये नोट डाउन, चलें थर्ड क्वेश्चन पे. चलिए नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ वी आर गिवन द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड हाइट, स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन. हमें गिवन है कर्व्ड सरफेस एरिया और स्लांट हाइट. हमने क्या क्या निकालना है? रेडियस एंड टोटल सरफेस एरिया. चलो जी, रिजल्ट यू विल टेल. क्या लिखूं मैं यहाँ पे? रफ फिगर, हर एक में कौन ही बनाएंगे आप लोग? चलो, हाँ जी, कितना गिवन है? सेंटीमीटर और मीटर? ओके, हाँ जी, विच हाइट? स्लांट हाइट इज डिफरेंट फ्रॉम हाइट, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने. सो स्लांट हाइट इज पाई आर. मुझे अभी भी बीच में बोलने की आवाज आ रही है. हाँ जी, क्या आएंगी? अब सेवन और फोर्टीन कट गया जी, ठीक है. आगे 44 इंटू आर, बिल्कुल ठीक है. 44 आप इधर ले आओगे, 308 अपॉन 44 इज इक्वल टू आर. आर कितना आ गया आपका? 7. यूनिट विल बी. अब रेडियस आ गया, फर्स्ट पार्ट डन. नाउ इन द सेकेंड पार्ट वी आर टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. Let him tell. Let him tell. Let the others do the calculations. जब मैं पूछूंगी तभी मुझे बता. Okay? बाकियों को भी करने दो. और जिस नोटबुक पे आपने किए हुए हैं, just keep that in your bag. Do the calculations again and then only you will tell me. Got it? पहले की हुई कैलकुलेशंस, आई डोंट नो वेदर यू हैव डन इट ऑन द कैलकुलेटर और डन इट योरसेल्फ. सो डू द कैलकुलेशंस नाउ एंड देन गिव मी द आंसर्स. नेहा, कीप योर दैट नोटबुक इन योर बैग, कीप योर रफ नोटबुक ऑन द टेबल. इफ दिस इज द सेम वन देन यू कैन डू एट द लास्ट ऑफ द मैथ्स फेयर नोटबुक. इफ दिस इज योर रफ नोटबुक, मैथ्स की फेयर नोटबुक के लास्ट में यू आर टू डू द कैलकुलेशंस अगेन. हाँ जी, हाँ जी, क्या होता है? आज तो बोर्ड पे लिखा हुआ है ना फॉर्मूला, तो स्विफ्टली आंसर मिला मुझे. हाँ जी, 7. ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप. 7 से 7 कट हो गया. Again, this is an area, so the unit will be square units.
If there is any doubt in any of the steps, you can ask. क्या हुआ? Is it done, बच्चे? चले अगले पे. Question number 4. A conical tent is 10 meter high and radius of its base is 24 meter. क्या क्या given है? Is it height or slant height? Height. Height given है कितनी? 10 meter. Radius given है 24 meter. Find the slant height of the tent. What you will do to find out the slant height? R given है, H given है, L निकालने है. L is equal to root R square plus H square. कौन बताएगा? Just one ma'am. बाकी? Okay, 3, 4, 5. Last girl. What's your name? Meher? Okay. चलिए बताइए. क्या क्या गिवन है बच्चे मुझे इसमें? कितना गिवन है? और क्या गिवन है बेटे? हाइट कितनी गिवन है? 10. निकालना क्या है? स्लांट हाइट. स्लांट हाइट को किससे डिनोट करते हैं? किससे डिनोट होती है स्लांट हाइट? ऊंची बोलो. स्लांट हाइट किस लेटर से डिनोट करते हैं? इन दोनों में से स्लांट हाइट कौन सी है? ये वाली की ये वाली? L है ना, तो स्लांट हाइट किससे डिनोट करते हैं? L से. ये हमने निकालनी है. क्या फॉर्मूला है L के लिए? रूट आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर. आर गिवन है, एच गिवन है, पुट द वैल्यूज. आर इज 24, एच इज 10. कितना आएगा? 26. तो स्लांट हाइट आ गई. फर्स्ट पार्ट डन, दैट इज 26 मीटर. चलो प्रगुन, सेकंड पार्ट. कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट. इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवस इज ₹70. कैनवस की कॉस्ट निकालनी है फॉर मेकिंग द टेंट. टेंट किस शेप में बनेगा? कॉनिकल शेप में. विल द बेस बी कवर्ड और नॉट? इट विल बी कवर्ड और नॉट? बेस विल बी कवर्ड और नॉट? इट विल बी कवर्ड. टेंट जो है वो ऐसे लगाते हो कि ये भी साथ में लगाते हो? नीचे वाला ये काउंट नहीं होगा. ठीक है, जब भी टेंट लगाना है तो ये शेप में आपका लगेगा. मींस यू आर टू, व्हाट थिंग यू आर टू टेक, यू आर टू कंसीडर द कर्व्ड सरफेस एरिया. नाउ यू आर हैविंग इट्स रेडियस, यू आर हैविंग इट्स हाइट, यू आर हैविंग इट्स स्लांट हाइट. वो बेस में उसके साथ इंक्लूडेड नहीं ना होता कैनवस के. जहां पे भी कैनवस की बात हो रही है वहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट द कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक है, हाँ जी. क्या आएगा फिर? पाई आर एल. आर यू आर हैविंग, एल यू आर हैविंग. तो लिखूं क्या यहाँ पे मैं? सीधा कर्व्ड सरफेस एरिया. निकालना क्या है मुझे? कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट. इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज
रुपीज 70, यानी कि पहले मुझे मीटर स्क्वायर में निकालना पड़ेगा हाउ मच कैनवस इज रिक्वायर्ड. सो एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट. सो दिस इज पाई आर एल. पुट द वैल्यूज एंड टेल मी द आंसर. प्रगुण, हो गई कैलकुलेशंस? मैंने करेक्ट वैल्यूज पुट की है. आपसे हम आंसर वेरीफाई करेंगे. लेट द अदर्स टेल नाउ. इधर लेके आ मेरे पास नोटबुक. कितनी कैलकुलेशंस कर ली हैं? ये टाइम मैंने ना बातों के लिए या इशारेबाजी के लिए नहीं दिया है. आई हैव गिवन दिस टाइम फॉर द कैलकुलेशंस. और क्या कैलकुलेशंस हो रही हैं? डू यू नो? करो जल्दी से. बी क्विक. डन. तनिष, होगी कैलकुलेशंस? बताइए कितनी आ रही है. दिस वन सबकी आ रही है. ये 13,728 अपॉन 7 आ रही है. लेके आ मेरे पास कहाँ की है कैलकुलेशंस. ब्रिंग योर नोटबुक टू मी. प्रगुन, डन द कैलकुलेशंस? ये आ रही है सेम. रिजुल, इसकी नोटबुक लेके आ जरा मेरे पास. रुद्र, सॉरी, ये कहाँ आया? बेटे आपने निकाला तो 14,976 है और मैं पूछ रही हूँ, आप कह रहे हो ये आ रहा है. और यही कैलकुलेटिंग मिस्टेक्स है, वो 1 मार्क गया था. हाँ जी, ओके, ठीक है. जीरो कहाँ है लास्ट में? क्या? ओके 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 ओके, फाइन. चलिए अब ये हमारे पास टोटल मीटर स्क्वायर आ गया. Now we are to find out क्या निकालना है. cos निकालनी है. ये कर दूं erase. Hands अपने sanitize कर लेना. रुद्र, उसकी नोटबुक लाए थे मेरे पास तो. चलिए cos of 1 meter square कैसे प्रोनाउंस करोगे? मैथ्स स्टूडेंट्स, यस. सो मुझे ये आंसर नहीं देना है ऐसे. 137280, दिस इज 1,37,280 रुपीज. क्लियर? चले आगे. इज इट डन? क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट लेंथ ऑफ टार्पोलिन 3 meter वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 meter, बेस रेडियस 6 meter. अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 centimeter. क्वेश्चन में आपको गिवन है. प्रगुन बैठ जाओ बेटे, अपने आप बैठ जाया करो अगर मुझे ध्यान नहीं रहता तो. हमें निकालना है लेंथ ऑफ टार्पोलिन रिक्वायर्ड. लेंथ निकालनी है क्लोथ की जो 3 meter वाइड है, जिसकी विड्थ या ब्रेथ यू कैन से हमें 3 meter गिवन है. दैट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 meter एंड बेस रेडियस 6 meter. उससे इस क्लोथ से हमने टेंट बनाना है जिसकी हाइट 8 meter है और रेडियस 6 meter है. क्या मतलब हुआ इसका? क्या पता लगा इससे आपको? अब जो क्लोथ रिक्वायर्ड है उसकी विड्थ मुझे कितनी गिवन है? 3 meter.
लेंथ मुझे निकालनी है, इट मींस पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि हाउ मच एरिया ऑफ क्लोथ इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द टेंट. एरिया ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट. उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटीरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इन कटिंग्स इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर. क्या करोगे इसको, किसको, बाकी यूनिट्स किस में है, बाकी मीटर में है, तो या तो उनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना या इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, एंड देन इसको क्या कर दोगे, बीच में जो आएगा एड कर दोगे, क्योंकि इतना आपका कटिंग में वेस्ट हो रहा है. अनुष्का म्यूट योर सेल्फ. सो राइट डाउन क्या क्या गिवन है हमें. हाइट ऑफ द कॉनिकल टेंट 8 मीटर, रेडियस ऑफ दिस इज 6 मीटर. हाँ जी, रिक्वायर्ड है, यस. This is 6 meter. Now the tarpaulin cloth required is equal to curved surface area of the conical tent, area of required is equal to curved surface area of conical tent. For the curved surface area, we need to find out क्या निकालना पड़ेगा, slant height. तो यहाँ पे पहले आप L निकाल लो, that is equal to R square plus H square. R कितना given है 6, H कितना given है 8, तो 36 plus 64 that is 100. तो L आ गया आपके पास 10. Now put the values here. अब area of tarpaulin cloth किसके equal होगा? अच्छा, pi given है 3.14 and if it is mentioned in the question then you are to take that value only. Otherwise decimal का फर्क आ जाता है और question आपका जो है solution वो गलत हो जाता है. ब्रैकेट में गिवन है, यूज पाई इक्वल टू 3.14, तो जिस क्वेश्चन में पाई इक्वल टू 3.14 गिवन है यू आर टू यूज दैट स्पेसिफिक वैल्यू. अब एरिया ऑफ क्लोथ कैन बी रिटन एज लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ हमने निकालनी है, ब्रेथ कितनी गिवन है 3 मीटर, सो लेंथ ऑफ द क्लोथ रिक्वायर्ड विल बी 3.14 इंटू 6 इंटू 10. अब स्टिचिंग मार्जिन वाला आपको लेके चलना है, सो ऊपर लिख दूं वहां पे, ये कर दूं इरेज. सो लेंथ ऑफ द क्लोथ रिक्वायर्ड Any doubt in the calculations? (3.14 × 2 × 10) है आपका, यस, 62.8 मीटर. ये एरिया ऑफ टार्पोलिन क्लोथ था. एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, रेक्टेंगुलर होता है क्लोथ जो भी आप लेके चलते हो, उसकी विड्थ हमें 3 गिवन थी, मैंने यहीं पे पुट कर दिया, ठीक है. तो लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट. ब्रेथ मुझे गिवन थी, मैंने यहाँ से लेंथ निकाल ली. अब लेंथ में हमें स्टिचिंग मार्जिन जो है वो लेके चलने हैं,
So total length of the cloth required for making the tent. Meter plus 20 centimeter. 20 centimeter is equal to how many meters? 0.2. So 63 meter is the answer. तनिष्क, मैंने कोई जोक सुनाया? देयर इज नो नीड टू लाफ. इवन पार्ट्स, ऑल इवन पार्ट्स आर योर होमवर्क. सेकेंड, फोर्थ, देन सिक्स्थ. चलिए सिक्स क्वेश्चन पे. 2, 4, 6. एट भी होगा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 नाउ. स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली. स्लांट हाइट गिवन है और क्या गिवन है? डायमीटर गिवन है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर. तो सबसे पहले क्या निकालोगे? कितना एरिया आपने पेंट करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर या टॉम्ब जो भी गिवन है वो निकाल लोगे. देन क्या करोगे? यूनिटरी मेथड लगाओगे कि अगर 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 210 है तो 1 की कितनी हो जाएगी? 210 बाय 100. तो जितना कर्व्ड सरफेस एरिया आया है उसकी कॉस्ट आपको निकालनी है. So will you be able to do this? So this is your homework part. Moving on to question number 7 now. A joker's cap is in the form of a right circular cone of base radius 7, height 24. Find the area of the sheet required to make 10 such caps. Joker ki cap base niche se open hota hai. तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमने लेना है. तो हम क्या करेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे गिवन डायमेंशंस से एंड मल्टीप्लाई करेंगे उसको किससे? 10 से. ये अभी क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले 8th का मैं आपको हिंट दे देती हूँ सो दैट यू कैन डू दैट इन योर होमवर्क. अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कॉन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड. आप बस स्टॉप पे गए होंगे या वैसे भी अगर रोड पे कई बार जाते हो तो आपने देखा होगा कि कॉनिकल जो है आपकी ये शेप्स होती हैं जिनको रोड पे साइड पे रेड और व्हाइट कलर में पेंटेड होती हैं, रख दिया जाता है ताकि रोड को सेग्रीगेट किया जा सके वहां से दूसरे वाले पार्ट से. तो इस तरह के बैरिगेट्स जो है वो बनाने हैं. ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर. पहले तो दोनों के यूनिट सेम बनाओगे. डायमीटर गिवन है और हाइट गिवन है. रेडियस आप निकाल लोगे. इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर. पेंट आउटर साइड पे होना है तो मींस कर्व्ड सरफेस एरिया. तो क्या पूछा है उसने? कॉस्ट गिवन है 1 मीटर स्क्वायर की ₹12. तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स? सबसे पहले क्या करेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कोन निकाल लेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 50. वो 50 कोन्स का एरिया आ जाएगा. देन 1 मीटर की स्क्वायर 12 गिवन है तो जितना एरिया आपने 50 का कैलकुलेट किया है उसको 50 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई. सो इफ यू विल बी एबल टू डू दिस देन यू विल ट्राई दिस, अदरवाइज वी विल डिस्कस दिस टुमारो. सो इन योर होमवर्क पार्ट्स फॉर टुडे यू आर टू डू क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 6.